पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम तो अपने मन से बहुत सारी किए हैं, लोग हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हम सब समाज के सभी। दीदी के देवर से रचाई शादी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। आपने माधुरी दीक्षित का वो 90s वाला सॉन्ग दीदी तेरा देवर दीवाना तो सुना ही होगा। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के बेतिया से सामने आया है, जहां पर एक देवर से दीदी की छोटी बहन ने एक अनोखे अंदाज में शादी रचाई है। जिले के नरकटियागंज में एक अनोखी शादी का गवाह नगर का प्रचलित गोपाला ब्रह्म स्थान रहा। यहाँ एक प्रेमी जोड़े को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शादी करा दी। हालांकि दोनों की शादी में अड़चने लग रही थी। पहले पुलिस ने दोनों को पकड़ा और लंबी पूछताछ की। जब पुलिस को मालूम हो गया कि दोनों बालिग हैं और दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, तो दोनों के परिवार वालों की सहमति से दोनों को छोड़ दिया गया। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता आ गया और विधि विधान से उन दोनों की शादी रचा दी गई। बता दें कि शादी में लड़के के परिवार के सभी लोग शामिल थे, लेकिन लड़की वाले इस शादी से नाराज नजर आए और शादी में शामिल होने से इनकार कर अपने घर चले गए। वही मामले में बताया जा रहा है कि नगर के वार्ड संख्या 11 प्रकाश नगर निवासी रामानंद तिवारी के बड़े बेटे की शादी लगभग एक वर्ष पूर्व रामनगर के रतनपुरवा निवासी अशोक पांडे की बेटी से हुई है, जिस वजह से उनका छोटा बेटा विशाल का अपने भाभी के घर आना जाना था। इसी बीच उसे अपने भाभी की छोटी बहन शिवानी से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों का प्रेम प्रसंग लगभग 6 महीने से चल रहा था। जब इस बात की जानकारी परिजनों को लगी तो दोनों की शादी तय कर दी गई। फिर कुछ दिन बाद लड़की के परिजनों ने उत्तर प्रदेश के एक अधेड़ व्यक्ति से उसकी शादी तय कर दी। शादी के एवज में लड़की के परिजनों ने लड़का पक्ष से 50,000 रुपए भी ले लिए। जब लड़की को इस बात की जानकारी हुई तो उसने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके परिजनों से प्रताड़ित करने लगे। किसी तरह वहां से भागकर नरकटियागंज अपने प्रेमी के घर पहुंचकर सारी बात बताई। उसके बाद लड़की के परिजनों को सूचना दिया गया। सूचना पर उसके घर वाले भी आए, लेकिन उन्होंने पुलिस को गलत मैसेज देकर दोनों को पकड़वा दिया। लड़की ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि वो बालिग है, अपने बहन के देवर से प्यार करती है, अपनी मर्जी से शादी कर रही है। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ नवविवाहित महिला और उनके परिजनों का कहना है। हम लोग अपने मन से दोनों की शादी किए हैं, लोग हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हम सब समाज के सभी। देख रेख में शादी हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हम लोग खुशी राजी से शादी कर लिए हैं, इसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है। लड़की और लड़का दोनों सही सलामत रहे, घर में रहे, हमको यही बात पे बहुत खुशी है। बताया जा रहा है कि आपके बड़े लड़के की शादी उस लड़की के बड़ी बहन से हुई थी। हमारे बड़े लड़का का शादी इसकी बड़ी बहन से हुई है, वो हमारे किए थी, मगर उनके किए घर का पूजा था, उसमें वो अपने घर। ये मामला जो आज आया है गोपाला ब्रह्म स्थान में, यहाँ से लड़का लड़की शिकारपुर थाना पहुँचा है लोग, और वहाँ पर सपना मैडम ने शिकारपुर थाना के में अपने से देख रेख में इन लोगों का आधार कार्ड जांच किया। इनके लड़की के मम्मी ने इतराज जताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका ना आधार कार्ड दिखाइए, लेकिन वहाँ पे नहीं दिखा पाया लोग। लड़का लड़की बहुत खुशहाल है लोग, और एक दूसरे से प्यार करता था लोग। इसमें हम लोग समाज के तौर पर यहाँ पर गोपाला ब्रह्म स्थान में ब्रह्मा भैया और पूरे समाज के लोगों ने इन लोगों का आशीर्वाद हम लोगों। देखिए पूरा मामला बेतिया का है, जहाँ पर एक देवर से उसी के भाभी की छोटी बेटी प्रेम करने लगती है और लगभग 6 महीने तक इनका प्रेम प्रसंग चलता है। जब लड़की की शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ तय कर दी जाती है, तो लड़की भागकर अपने प्रेमी के पास पहुंचती है और उसे सारी खबर बताती है, और उसके बाद दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ पनोरमा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।